नमस्कार, मैं आशीष अवस्थी आज आपको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के बारे में बताने जा रहा हूं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जैसे कि नाम बता रहा है कि ये डेटा टाइप्स वो टाइप्स होते हैं जो यूजर खुद बनाता है। मान लीजिए आपको कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को करेक्ट करके एक अपना डेटा टाइप बनाना है, तो उसके लिए आपको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स का यूज करना पड़ेगा। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में जो बेसिकली डेटा टाइप्स हम डिफाइन करते हैं वो आपके हैं स्ट्रक्चर, यूनियन और इन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स। अब जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर को अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहां पर आप देखिए तो यहां पर एक कीवर्ड यूज किया गया है स्ट्रक्चर, और उसके आगे एक डेटा टाइप का नाम है एबीसी और उसका एक वेरिएबल बनाया गया है EMP। तो अगर देखें तो ये इस तरह भी लिखा जा सकता है, स्ट्रक्चर एक कीवर्ड, उसके बाद वेरिएबल से पहले डेटा टाइप और उसके बाद वेरिएबल EMP। अब EMP वेरिएबल के अंदर क्या क्या स्टोर हो रहा है, कौन कौन वेरिएबल्स और स्टोर हो रहे हैं, अगर देखें तो इसके अंदर बेसिकली तीन तरह के वेरिएबल्स स्टोर हो रहे हैं जो आपके ये वेरिएबल्स हैं। इसमें एक इंटीजर वेरिएबल है, एक फ्लोट वेरिएबल है, एक कैरेक्टर वेरिएबल है। तो अगर देखें तो EMP अपने आप में तीन अलग अलग तरह के वेरिएबल्स जो प्रिमिटिव वेरिएबल्स हैं उनको स्टोर कर रहा है। तो ये आपके यूजर डिफाइंड टाइप्स हो गए। इसी तरीके से इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यूनियन होता है, आपका इनम होता है, ये सब कीवर्ड भी है, रिजर्व कीवर्ड भी है, और बेसिकली इनको इसी तरह के यूजर डिफाइंड टाइप्स को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। इनको डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ा जाएगा क्योंकि ये आपके थोड़े से एडवांस डेटा टाइप्स है। तो फिलहाल आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।